जय श्री राम देवियों, सज्जनों, मेरा नाम है शशांक, स्वागत है आप सभी के एक नई ट्रेन यात्रा में। आज की यात्रा हमारी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम ट्रेवल करने वाले इंडियाज फर्स्ट वंदे साधारण यानी कि अमृत भारत एक्सप्रेस में, जिसको 30 दिसंबर को देश के माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या धाम से दरभंगा के बीच उद्घाटन किया था। लेकिन उस दिन भाई हमने कवर की थी अयोध्या धाम आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस। मन था मेरा इसका फर्स्ट कमर्शियल करने का, लेकिन आवाज से आपको पता चल ही रहा होगा, तो कुछ दिन भाई घर पे रेस्ट करने का। जैसे ही थोड़ा बहुत ठीक हुए, आ गए आपके लिए अमृत भारत की जर्नी लेकर। कमेंट में हो जाए भाई जय श्री राम, शुरू करते हैं धमाकेदार जर्नी। तो जी आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। यार एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली न्यूज है, मेरा जो टिकट है ना वही वेटिंग में ही रह गया। इस बात की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि भाई सेकेंड रन है आज, और बिलीव करिए ना प्रीमियम तत्काल खाली ना तत्काल खाली। भाई 17-18 वेटिंग ली थी, 8-9 पे आकर रुक गई, तो थोड़ा हेल्थ इशू भी है, वो आपको आवाज़ से पता चल ही रहेगा, ऊपर से वेटिंग रह गई। एनीवेज चलिए कोई बात नहीं, अब आए हैं तो भाई आपको जर्नी करके ब्लॉग बना के दिखाना तो बनता है ना। और ट्रेन देख लीजिए भाई बाहर से, बाकी रश वगैरह तो अभी इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है जनरल क्लास में। और इस ट्रेन में आपको 8 जनरल क्लास और 12 स्लीपर कोच देखने को मिलेंगे। एक भी ऐसी कोच इसमें नहीं लगाया हुआ, आम जनता को समर्पित है ये भारतीय रेलवे की ये अमृत भारत एक्सप्रेस। आज की जर्नी हमारी होगी कोच S6 में। सीट तो खाली नहीं है ना, हमारा टिकट कंफर्म है, बाकी देखेंगे टीके सर मिलेंगे उनसे बात बात करेंगे अगर कोई सीट मिल जाती है तो। बाकी बाहर से तो ट्रेन अभी आप देख लीजिए ठीक ठाक है भाई। और यहाँ से जैसे हम कोच के अंदर आएंगे, अंदर आते ही सामने आपको मिरर मिल जाएगा, अभी तो भाई बिल्कुल चकाचक नीट एंड क्लीन है। बेसिन वगैरह की कंडीशन उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए, दिखाने लायक नहीं है। अभी पहले अपना लगेज वगैरह सेटल करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो जी लगभग 5 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर मिल चुका है हमें लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से। तो ट्रेन हमारी द सिटी ऑफ नवाब लखनऊ से निकल चुकी है, बाकी यहाँ से निकलने के बाद हमारा जो हॉल्ट है वो होने वाला कानपुर सेंट्रल। बाकी चलिए भाई अब हम आपको थोड़ी सी ट्रेन की कंडीशन दिखा देते हैं कि आखिर भाई क्यों हमारा टिकट 17-18 वेटिंग के बाद भी कंफर्म नहीं हुआ। बाकी इधर भाई हमारी गोमती एक्सप्रेस के साथ चल रही है पैरेलल, दोनों ट्रेनें एक ही रूट पर जाने वाली हैं, तो देखते हैं पहले गोमती को निकालता है या अमृत भारत भाई गोमती को ओवरटेक कर देती है। एक साथ दोनों ट्रेनें चल रही हैं साथ में, अब देखते हैं कि अमृत भारत आगे निकलती है कि गोमती भाई कर देगी काम। तो भाई खींच दी गोमती यार, ले गया भाई ले गया गोमती भाई, अमृत भारत को गोमती एक्सप्रेस ने ओवरटेक मार दिया है लखनऊ से निकलते ही। यार सामने जा रही है भाई गोमती एक्सप्रेस। तो जी मानक नगर में हमारी ट्रेन को रोककर सामने से तेजस एक्सप्रेस ने भी हमको ओवरटेक कर दिया है भाई। चल क्या रहा है यार, कुछ नहीं समझ में आ रहा, पहले गोमती और अब तेजस। अभी ट्रेन तो भाई बिल्कुल खाली पड़ी है, और ये है भाई हमारे इंडिया की फर्स्ट कॉरपोरेट ट्रेन जिसको IRCTC ऑपरेट करता है। क्या ही कहा जाए भाई, बताइए तेजस भी होटी मारी, इतना चांस तो था कि तेजस हमें ओवरटेक करेगी, लेकिन इतना जल्दी करेगी भाई इसकी उम्मीद नहीं थी। चलिए जी भाई एन ओवरटेक। तो जी पहला अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक कोलकाता आगरा वीकली एक्सप्रेस। निर्धारित समय से लगभग 45 मिनट की देरी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन के हॉल्ट नंबर 15 कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल की बात की जाए तो CNB यहां का स्टेशन कोड है, 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 338 ट्रेन यहां पर डेली हॉल्ट करती हैं,
32 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, 32 ट्रेन होती है यहाँ से टर्मिनेट। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ का जो लेदर है ना भाई, काफी ज्यादा फेमस है। और ये जब अंग्रेजों का हमारे देश में राज था तो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा पसंदीदा जो शहर था वो था अपना कानपुर सेंट्रल। तो भाई ट्रेन का 10 मिनट का होल्ट होने वाले, क्यों यहाँ से होने वाली है वाटर रिफिलिंग वगैरह। बाकी भाई गोमती हमारे आगे आगे निकली थी पैरेलल में, फाइनली डिपार्चर हो चुका है गोमती का कानपुर सेंट्रल से। अब होगा भाई इसका ओवरटेक, देखते हैं कि कहाँ पे जाके हम ओवरटेक मारते हैं गोमती एक्सप्रेस को, क्योंकि लखनऊ से निकलते ही भाई इस ट्रेन ने हमें जो पैरेलल ओवरटेक मारा था ना भाई, सच में बिल्कुल दिमाग हिल गया था यार कि गोमती ने अमृत भारत को ओवरटेक मार दिया। कोई नहीं, कहावत है ना, अपना टाइम आएगा। बाकी भाई एक साथ फिर से इधर से गोमती का डिपार्चर और इधर से हमारा, तो भाई डिपार्चर हुआ है कानपुर सेंट्रल से और फिर से पैरेलल चालू है गोमती के साथ। चल क्या रहा है भाई, पहले लखनऊ से पैरेलल फिर कानपुर से निकलते हैं। तो कम से कम नहीं तो भाई साहब ये तो अब तक की जर्नी में तो भाई सिर्फ बस तू चल मैं चल, तू आगे मैं आगे ही चल रहा है, हमारा ओवरटेक पैरेलल यही चल रहा है गोमती के साथ। भाई साहब ये चल क्या रहा है भाई, गोमती ने ओवरटेक मार दिया हमें फिर से। ओ भाई ये दिन देखने के लिए रह गया था यार, क्या मारा है ओवरटेक भयंकर है भाई। एक डेली इंटरसिटी ट्रेन ओवरटेक करके जा रही है, आज ही ये होने को बाकी था क्या यार, आज हमें जर्नी करना था तब। नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल सही में भाई, दिल खुश हो गया ये देख के। अब आज के ब्लॉग में आपको आज के ब्लॉग में आपको सिर्फ गोमती बसेस अमृत भारत ही मिलने वाला है मुझे लग रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। गजब भाई गजब, नीले थोड़ा भाई बोलने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है यार, खांसी ज्यादा काफी ज्यादा है, हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन शूट कर रहे हैं भाई आपके लिए, जितना एफर्ट हो सकता है उतना एफर्ट डाल के तो भाई शूट तो चल ही रहा है नॉन स्टॉप। चूहा बिल्ली का खेल कहाँ खत्म होगा ये नहीं पता, लेकिन जो भी है भाई बहुत मजा आ रहा है यार। ओवरटेक पैरेलल क्या चाहिए भाई, और एक क्या बात है भाई। और अब धीरे धीरे गोमती को स्लो डाउन करके हमारी ट्रेन को एक्सेलरेट किया गया है, वाओ यार वाओ। तो चलिए जी फाइनली अब गोमती वालों को करते हैं बाय बाय, बहुत हुआ तुम्हारे खेल फाइनली भाई। तो ट्रेन हमारी फ्लैट 130 नॉन स्टॉप चल रही है। और एक चीज और भाई, इस ट्रेन में बिल्कुल आपको फील ही नहीं होने वाला है कि ट्रेन 130 चल रही है। अपने पुष्पुल लोकोमोटिव के साथ इससे पहले एक ही ट्रेन इंडिया में चलती थी, वो थी हजरत निजामुद्दीन CSMT CR राजधानी, पुष्पुल के साथ चलती थी। एक्सेलेशन भाई उस ट्रेन का काफ़ी फास्ट था, और इस ट्रेन में भी पुष्पुल लोकोमोटिव लगा हुआ है WAP5, एक आगे एक पीछे, तो इसका एक्सेलेशन भाई काफ़ी गजब है। बाकी अगर आप दरभंगा से लेकर आनंद विहार टर्मिनल तक इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में जर्नी करने का प्लान कर रहे हैं तो उसका फेयर आपको लगभग 600 के आसपास पड़ेगा, थोड़ा बहुत टैक्स लग के 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर आप 2S यानी कि जनरल क्लास में ट्रेवल करेंगे तो वो लगभग 300-310 के आसपास। भाई थोड़ा सा अवॉइड करना है यार, कीजिए मत सोचना क्या भाई। हाँ तो अगर आप इस ट्रेन में अगर आप जनरल क्लास में ट्रेवल करेंगे ना तो टिकट लेते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने जो टिकट बुकिंग वाले सर है ना उनको बोलना है कि आपको अमृत भारत एक्सप्रेस का जनरल क्लास का टिकट चाहिए, वरना अगर आप नॉर्मल सुपर फास्ट का टिकट लेकर ट्रैवल करेंगे तो भाई आप पे फाइन पड़ जाएगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। UTS से अगर आप बुकिंग करेंगे तो वहाँ पे भी अमृत भारत ब्रैकेट में B और अमृत भारत ब्रैकेट में M बन के आ रहा है, M मतलब मालदा टाउन बेंगलोर वाली, B मतलब बिहार वाली अमृत भारत एक्सप्रेस, इस चीज का ध्यान रखें। तो चलिए अब आपके साथ ट्रेन नंबर 1557 के रूट शेड्यूल एंड टाइमिंग की बात की जाए तो ये ट्रेन हफ्ते में 2 दिन मंडे और गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलती है। दरभंगा से ये डिपार्ट होगी दोपहर में 3 बजे और नेक्स्ट डे आपको
आफ्टरनून लगभग दोपहर में लगभग 12:30 के आसपास पहुंचा देगी आनंद विहार टर्मिनल। लेकिन भाई इस ट्रेन में अगर आप एंड ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप घर से ही खाना लेके, क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। इस ट्रेन का जो सबसे बड़ा जो फॉल्ट है या मिस्टेक है, इसमें पेंट्री कार नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इस ट्रेन में आपको साइड पेंट्री देखने को मिल जाएगी। ये हमारे भैया और ये है साइड पेंट्री वाले, तो इसमें आपको ब्रेकफास्ट में वेज कटलेट ऑमलेट वगैरह मिल जाएगा। तो जैसे अभी अक्षय भाई और अनस भाई ने लिया, क्या लिया है भाई? ये कटलेट और ऑमलेट लिया है जेन्युइन, जो है मतलब 40 और 50। तो यही लोग टेस्ट करके बताएंगे कि टेस्ट वगैरह कैसा है। मैं अभी थोड़ा सा भाई अवॉइड कर रहा हूँ खाना पीना ये सब। लगभग 1 घंटे की देरी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं हॉल्ट नंबर 16 इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहां पर ट्रेन का होने वाला है सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट। बाकी भाई यहां से भी ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर ने बोर्ड किया है, जैसे आप देख सकते हैं हमारे कोच में भी काफ़ी पैसेंजर ने इटावा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को बोर्ड किया। और इटावा पाँच प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। नौ ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, 9 ट्रेन होती है यहाँ से टर्मिनेट। 82 ट्रेन का यहाँ पर डेली हॉल्ट है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से आपका एक लाइन निकल जाती है भिंड होते हुए ग्वालियर की तरफ। बाकी आपसे बात करते करते भाई अराइवल हो चुका है यहाँ पर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का। तो लीजिए भाई सामने आ गई है स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली। इधर खड़ी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। लग तो ये रहा था कि भाई क्रॉसिंग होगी जबरदस्त इटावा के आगे निकलने का, लेकिन भाई यहीं पर दोनों ट्रेनों का मिलन हो गया और 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी भाई इधर शताब्दी एक्सप्रेस के साथ एक छोटी सी सही लेकिन चलिए भाई क्रॉसिंग तो मिल गई। और एक्सीलेशन देखिए भाई, पुष्पुल लोकोमोटिव होने का ये फायदा है भाई। एक्सेलरेट देखिए कितना तेज एक्सेलरेट हुई है ट्रेन। चलिए अब आपको इस ट्रेन का इंटीरियर दिखा देते हैं, डे लाइट में अच्छे से हम आपको दिखा भी सकते हैं। तो जैसे ही आप कोच से एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको सीसीटीवी कैमरा मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा जो नीट एंड क्लीन है। बेसिन टैप और बेसिन में भी भाई लोगों ने पता नहीं क्यों इसमें थूक के इतना गंदा किया है ना, कि क्या बोला जाए लोगों के लिए। भाई साफ सफाई भी रखो यार, ट्रेनों को भी इतनी अच्छी ट्रेन मिली है भाई, तो थोड़ी जिम्मेदारी निभाओ अपनी भी यार, मत गंदा करो ट्रेन। तो रिक्वेस्ट है भाई जो भी इस ट्रेन में ट्रेवल करे। बाकी टैप में पानी आने के लिए आपको यहाँ पर टैप करना पड़ेगा, तब पानी आएगा। पानी आते हुए मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि टैप की हालत है भाई काफ़ी ज़्यादा गंदी है। डस्टबिन दिया हुआ है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोच में कचरा मत फेंकिए, इकट्ठा करिए। डस्टबिन दिया हुआ है, डस्टबिन में आके डालिए। इसके साथ यहाँ पर आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा। और वॉशरूम की अगर कंडीशन की बात की जाए तो भाई इस समय हम लोग आ चुके हैं वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर भी आपको एक मिरर मिल जाएगा, लाइट जल रही है, यहाँ पे भी टैप वगैरह सब साफ है, सोप डिस्पेंसर भी है। और वॉशरूम की कंडीशन की बात की है तो वॉशरूम की कंडीशन अब तक काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है। सामने आपको एयर फ्रेशनर भी मिल जाएगा जिसमें देखिए लाइट ब्लिंक कर रहा है। और भैया सिगरेट बिल्कुल नहीं पीना, स्मोकिंग अलार्म लगा हुआ है, अगर सिगरेट पी अलार्म बजा तो पड़ेगा जुर्माना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बाहर से जैसे ही आप आएंगे, ये हमारा दूसरा टॉयलेट, इसको अगर वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, इसकी हालत की बात की, इसकी भी कंडीशन ठीक ठाक है, इतना कुछ अभी तक तो भाई गंदा नहीं है। बाकी हम कोच के अंदर आएंगे, कोच के अंदर की अगर इंटीरियर की बात की जाए तो सिमिलर 3 इकोनॉमी जैसा थोड़ा मुझे लगा। क्यों पाजी?
बिल्कुल वैसा ही है, कलर कॉम्बिनेशन वैसा ही लग रहा है, नॉन एसी, नॉन एसी थ्री इकोनॉमी अच्छा बनाया हुआ है, बस मेंटेन रखना भाई कृपा करके, अच्छा साफ सुथरा लग रहा है। बाकी यहाँ पर चार्जिंग के लिए देख लीजिए, स्लीपर में फर्स्ट टाइम दिखेगा आपको कि छह लोगों के लिए छह चार्जिंग सॉकेट इधर, साइड लोअर के लिए अलग है और साइड अपर के लिए अलग है। इसके साथ यहाँ पर आपको एक छोटा सा एलईडी डिस्प्ले है जहाँ पर भारतीय रेलवे यात्रियों का स्वागत करती है, और फैन वगैरह भाई यहाँ पर अभी एक स्पीकर भी लगा है लेकिन यह अभी नहीं चल रहा है, जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन भाई इसमें आवाज़ आ रही थी। इसका सीसीटीवी कैमरा आपको कोच में भी देखने को मिल जाएगा। तो कंफर्ट की बात की जाए तो सीट की कंफर्टेबल भाई काफ़ी सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल आपकी जर्नी इस ट्रेन में रह सकती है। तो ऐसा कुछ इंटीरियर वगैरह था, इंटीरियर का फुल डिटेल ब्लॉग ऑलरेडी चैनल पर लाइव है, अगर डिटेल में आपको देखना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो अपने निर्धारित समय से लगभग 35 मिनट की देरी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन अमृत भारत एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बस लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर उनको इतनी अच्छी ट्रेन भाई इंडियन रेलवे ने प्रोवाइड की है ना, खासकर बिहार की जो जनता है उनके लिए, तो भाई इस ट्रेन को भी थोड़ा मेंटेन करके रखिए, साफ सफाई रखिए जैसे आप अपने घरों में रखते हो, वैसे ट्रेन भी भाई एक तरह से हमारी खुद की प्रॉपर्टी है। बाकी जर्नी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आई नो मैं जानता हूँ कि मैं उतने एफर्ट से इस जर्नी को शूट नहीं कर पाया जितनी एक्सपेक्टेशन मुझे खुद से रहती है, लेकिन क्या करें भाई थोड़ा साथ नहीं दे रही थी बॉडी भी, अभी भी फीवर वगैरह है, बस जैसे भी दवाई वगैरह खाकर बस ये था कि हाँ आपको शूट करके दिखाना है। ट्रेन हमारी पीछे लगी और ट्रेन काफ़ी बढ़िया है, एक्सेलरेशन काफ़ी ज़बरदस्त है, एक चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट है ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ ना तो भाई खांसी आ रही, एक चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट है कि पेंट्री कार्ड नहीं है, खाना घर से ही लेकर है वो ज़्यादा बेहतर, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लें वो बेस्ट ऑप्शन है। साइड पेंट्री है ठीक ठाक है, खा सकते हैं लेकिन इतना कुछ खास नहीं मिलेगा। ट्रेन भाई काफ़ी प्यारी लग रही है। बाकी चलिए जी इसी के साथ इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी नई जर्नी में नए सफर में, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।